थाट काफी के कॉर्ड्स, मेजर और माइनर कॉर्ड्स आपको मैं पहली काली से थाट काफी में बताने जा रहा हूँ, यानी कि ग नी कोमल लगाते हुए अगर हम देखते हैं तो कौन कौन से कॉर्ड्स लगते हैं वो आज हम देखेंगे। बिलावल, भैरवी, कल्याण और भैरव में तो हम देख चुके हैं ऑलरेडी, वो प्लेलिस्ट में बना चुका हूँ, है ना, और ये थाट काफी का है। तो आप पूरा वीडियो देखिए और जानिए कि कौन कौन से कॉर्ड्स लगते हैं थाट काफी में। कोमल गंधार, योर रियाज पार्टनर। रागें सीखनी हो, पियानो गुरु का इस्तेमाल करना हो, स्वयं रियाज करना हो, थाटों का रियाज करना हो, अलंकारों का, पलटों का, हर प्रकार का रियाज इसमें अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी डाउनलोड कीजिए कोमल गंधार। तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, तेरा चुप रहना मेरे जहन में क्या बैठ गया, इतनी आवाजें तुझे दी के गला बैठ गया, तेरा चुप रहना। तहजीब हाफी बहुत ही मशहूर शायर हैं पाकिस्तान के, उनकी लिखी गई ये बहुत ही मशहूर और ख़ूबसूरत सी गज़ल है जो कि कंपोज मैंने करी है, तो ये ऑलरेडी मैं गा चुका हूँ संगीत प्रभा वर्ल्ड के चैनल पर, आप ज़रूर सुनिएगा। तो आइए अब बात करते हैं थाट काफी के कॉर्ड्स के बारे में। पूरा वीडियो देखोगे तो आगे आपको हारमोनियम फ्रेम में नज़र आएगा कि कौन कौन से कॉर्ड्स लगते हैं, लेकिन मैं छोटा सा ब्रीफ जो हर बार देता हूँ वो दे देता हूँ कि कॉर्ड्स को आपको समझने के लिए स्केल्स और थाट की नॉलेज ज़रूरी है, क्योंकि जैसे जैसे आपका सागप बनेगा वैसे वैसे सुर आपका जो है वो बदलता रहेगा। जैसे सागप अगर पहली काली से सा रे ग म प ध नि सा नि द प म ग रे सा, ये काफ़ी थाट है, तो सागप रे म ध ग प नी, तो ये ग प नी रे म ध तो मैं बोल रहा हूँ लेकिन ये बेसिकली हैं सा ग प ही, सा रे ग म प सा ग प रे ग म प ध रे म ध, ये रे म ध, ये दूसरी काली का सा ग प है, है ना। तो ये स्केल्स और थाट की नॉलेज आपको ज़रूरी है, तो पूरा वीडियो देखिएगा जो हारमोनियम के फ्रेम है उसमें आपको एक एक करके मैं धीरे धीरे जो है कॉर्ड्स का इस्तेमाल आपको बताता हूँ। तो पहली काली से काफ़ी थाट के कॉर्ड्स हम देखने जा रहे हैं, ये सुर आपको एक बार मैं बता देता हूँ, सा ये शुद्ध ऋषभ है, कोमल ग म प ध कोमल नी और सा, ठीक है। अब ऊपर नीचे भी यही सारे हैं, जैसे ये कोमल ग रे सा रे ग म म ग रे सा नी ध प म ग रे सा नी ध प, है ना, सारे वही सुर हैं। अब वही पैटर्न है जैसा कि हमने बाकी चार थाटों में रखा था, उसी पैटर्न से हम कॉर्ड्स निकालेंगे, जैसे सा ग प, है ना, सबसे पहले सा को सा मानकर हमने सारे ग म प ढूंढना है, तो सारे ग म प, है ना। तो ये पहला हमारा कॉर्ड बन रहा है सी शार्प माइनर, ठीक है। अब इसको कैसे कैसे लगा सकते हो, ऐसे भी लगा सकते हो, ऐसे भी लगा सकते हो, और ये इसको पूरा भी लगा सकते हो, ऐसे ऐसे पूरा भी लग जाएगा ये, है ना, और ये भी, ये इसके इन्वर्जन्स हैं अलग अलग, है ना, पहले सा ग प किया फिर ग प सा किया ग प सा ग किया, डिपेंड करता है कौन से सप्तक की गायकी कर रहे हो वहाँ कौन सा इन्वर्जन लगेगा इस कॉर्ड का, है ना। फिर आते हैं रे पर, अब इसको सा मान के अगर करेंगे तो सा रे ग ये सा ग प बन रहा है। अब वैसे इस स्केल के हिसाब से ये रे म ध है, है ना, लेकिन इस ये दूसरी काली के हिसाब से देखें तो सा कोमल ग और प, यानी ये हमारा बन गया डी शार्प माइनर। अब सी शार्प मेजर इसमें लग नहीं सकता क्योंकि गंधार कोमल लगता है, डी शार्प माने माइनर हो गया। अब इसको भी अलग अलग तरीके से लगा सकते हो आप, जैसे कि एक ये लग गया, ये उसका एक इन्वर्जन है, ये उसका एक इन्वर्जन है, है ना, करना कुछ नहीं है, अब कौन से सप्तक में कर रहे हो उस पर निर्भर करता है, ठीक है। फिर गस, अब यहाँ से भी अगर गस शुद्ध करेंगे तो वो नहीं बन सकता क्योंकि वो तीव्र मध्यम बनता है इसका। फिर अब यहाँ पे आ गए तो ये कॉर्ड बन रहा है, ई मेजर कॉर्ड है, है ना, क्योंकि ग शुद्ध है, सा रे ग म प, है ना। अब ये ई माइनर करेंगे तो ये हो जाता है, लेकिन वो इसमें लगेगा नहीं क्योंकि तीव्र मध्यम है, ठीक है। फिर यहाँ से देखेंगे तो अब ये ई, इसको भी आप ऐसे बजा सकते हो, है ना, इन्वर्जन करके, इन्वर्जन यानी ऊपर नीचे के सप्तक का कोई सुर आप ले लो, डिपेंड करता है कौन से सप्तक की गायकी कर रहे हो, है ना। फिर यहाँ से आते हैं एफ शार्प पर, तो एफ शार्प मेजर है, सीधा सीधा,
है ना, इसको भी आप अलग अलग तरीके से बजा सकते हो, ऐसे भी बजा सकते हो, ठीक है। अब जी शार्प माइनर है अगला, ये क्योंकि ये प कोमल नी और रे बन रहा है ना, ये आप चाहो तो ऐसे भी लगा सकते हो। अब ये कौन सा कॉर्ड बनता है वो तो अब मुझे इतना कॉर्ड्स का नहीं मालूम, लगाने को ये ऐसे भी लगाया जा सकता है ना। अब जैसे ये है, ये है, ठीक है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, सी शार्प का ही है, ठीक है, ये एफ शार्प का मेजर है, ये जी शार्प का माइनर है। अब जी शार्प का मेजर नहीं लगा सकते क्योंकि ग शुद्ध इसका शुद्ध निषाद बनता है। अब इसके बाद यहाँ अगर हम धैवत से देखें तो है ना, ये बनता है, लेकिन ये हम बना नहीं सकते, नहीं ये बना सकते हैं क्योंकि पंचम हमारा बन नहीं रहा है। इसका अगर पांचवी का पंचम देखें तो वो आपका पहली का शुद्ध गंधार है जो कि हमारा काफ़ी में नहीं लगता है, तो यहाँ से कोई कॉर्ड नहीं बनेगा। अगर इस सुर को गाते गाते कोई रिकॉर्ड लगाना होगा तो यही लगाना पड़ेगा, या फिर ये लगा सकते हो इन्वर्जन में, है ना, यही एफ शार्प का जो मेजर है। यहाँ से बनाने जाओगे तो बन जाएगा ये बी, बी मेजर कॉर्ड है आपका, माइनर नहीं लगा सकते क्योंकि माइनर में कोमल का लगता है जो इसका कोमल ऋषभ बन रहा है, ठीक है। तो कौन कौन से कॉर्ड्स बन गए, सी शार्प मेजर, डी शार्प माइनर, ई मेजर, एफ शार्प मेजर, जी शार्प माइनर, बी मेजर, है ना, ये कॉर्ड्स हैं इसमें। ये भी इसमें बन रहा है ना, अब डिपेंड करता है इस थाट की जो जो रागे हैं उनमें भी अगर ये कॉर्ड्स लग सकते हैं या नहीं, बट निर्भर करता है कि उसकी स्वर संगति क्या है, उसका चलन क्या है ना, उनमें ये लगा सकते हो या नहीं, ठीक है। तो ऐसे ही देखते रहो, कुछ ना कुछ मैं नया लाता रहूँगा, और पिछले कॉर्ड्स वाली सीरीज़ के भी आप वीडियोज़ ज़रूर देखिएगा। शुक्रिया।